तो मेरे प्यारे भाई लोगों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है डीमन सोल्स में। फाइनली पता नहीं क्यों मुझे ऐसी आ रही है। यस ठीक है। तो आप लोगों नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया। 2-3 दिन पहले मैंने पोल रखा था, भाई ये थोड़ा म्यूजिक बंद हो जाए तो मैं थोड़ा अपने विचार विमर्श कर लूँ। ठीक है, 2-3 दिन पहले मैंने पोल रखा था कि यार डीमन सोल्स का कुछ लोग बोल रहे हैं कि संदीप भाई वो गेम भी खेलो, उसको ट्राई करो। तो लगभग 71 to 72% बंदों ने बोला कि संदीप भाई ठीक है, आप खेलो, हम देखेंगे। कुछ 29 से 28% लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देखेंगे, ऐसा है। और कुछ लोगों ने भाई बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किए, तो थैंक यू भाई, दिल से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा दिक्कत है कि यार देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले डीमन सोल्स के बारे में बता देता हूँ। ये गेम रिमास्टर्ड वर्जन है 2009 वाले का, जो प्ले स्टेशन के लिए एक्सक्लूसिवली रिमास्टर्ड हुई थी। और एक चीज़ और थी यार कि देखो, जो जितनी भी सोल्स गेम होती है ना, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। वो गेम थोड़ी अलग तरीके से खेली जाती है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपके पास मतलब मैजिक कितना है, आपके पास कौन सा वेपन है, एनिमी आपके सामने कौन सा है। सो यस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मतलब नहीं पता, तो मैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये गेम ना धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बढ़ते चले गए, बीतते चले गए, नहीं, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी ही करनी पड़ेंगी, उसके बगैर ये गेम आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ऐसा है। तो यार, और एज अ गेमर मेरा भी बनता है यार आप लोगों को नई नई गेम सिखाना। चलो नई कहानी की शुरुआत करते हैं। होप आप सबको मजा आएगा भाई, और फर्स्ट एपिसोड है आज। चलो, और इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो भाई। क्या कर रहे हो तुम, इतना धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं भाई मेरे, बहुत धीरे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों साथ वीडियो शेयर भी कर देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे फॉलो कर लेना। चलो, ए वी गो डीमन सोल्स फर्स्ट पार्ट। हर एक गेम ना डीमन सोल्स के हिसाब से, जैसे डीमन सोल्स 1 हो गई, 3 हो गई, एल्डर रिंग हो गई, तो मतलब क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास। ये गेम एक अलग लेवल पर होती हैं। और अच्छी बात यह है कि रीमेक है, तो मेरे पास 60 FPS रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये अपडेटेड भी है। ठीक है, इंग्लिश, और कोई भाषा समझ नहीं आती भाई। ओके, ब्राइट HDR तो नहीं अवेलेबल, नहीं रहेगा। ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी यार। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ना फिर अंधेरा होता है, दिखता नहीं कुछ। कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन रहने दो, सेम। ठीक है, सब टाइटल ऑन। सब टाइटल बैकिंग क्या होता है, पैकिंग क्या होता है, इसको ऑफ कर दो। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, मैन वॉज ग्रांटेड ए सोल एंड विद ए क्लैरिटी। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, अपॉन अर्थ वॉज प्लांटेड एन इनवोकल पॉइजन, ए सोल डिवॉर्विंग डीमन। भाई साहब क्या सीन है, ये मारकाट चल रही है भाई। क्या मारा भाई साहब इसने, सलमान खान वाली एंट्री। व्हाट अ ट्रेलर भाई, क्या बात है। चलो कहानी सुन के मजा आ गया।
चलो शुरुआत करते हैं इसके की सेटिंग देख लेते हैं भाई एक बार। ऑडियो यार इसमें कोई वैसा तो नहीं है म्यूजिक, मतलब नहीं होगा। बाकी मैंने लैंग्वेज तो कर दिया, सब टाइटल वगैरह ऑन कर दिया, बस बाकी क्या दिक्कत है भाई, कुछ हमें आता वाता है नहीं। चलो घुसते हैं। टाइप ए टाइप बी चूज अ बॉडी, क्या टाइप ए कौन सा है? टाइप ए लड़की, टाइप बी प्लेयर नेम, प्लेयर नेम रखेंगे हम संदीप बाबू एज ऑलवेज। भाई मेरी कम्युनिटी को पता है। वो लोग जानते हैं इसके पीछे करीबन। चलो संदीप बाबू डन। ओके नाइट रखते हैं, एलिक्सर क्लास रखते हैं, ठीक है। सेव क्रिएशन, ये क्या होता है? अच्छा ठीक, अच्छा स्लॉट स्लॉट, अच्छा हंटर नाइट सोल्जर। भाई इसमें तो कैरेक्टर बड़े सारे हैं, तो हम इसको एज अ नाइट ही रखते हैं, विच इज लुकिंग गुड। एलिक्सर टेम्परेरी इंक्रीज द रेट ऑफ स्टेमिना रिकवरी, ठीक है यही रहने दो, बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं यार। फाउंडेशन ठीक है, बी करा था मैंने। ये बहुत अच्छा था, चलो बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। चलो हो गया, बस यही करना है भाई, और क्या करूं मैं, फाइनलाइज। चलो King Alant the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valifax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had roused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber. And that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls lose also their minds. The mad attack the sane and chaos reigns. Valifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors lured by the possibilities braved the fissure to breach the accursed land. But none have returned. मतलब कई सारे योद्धा the twin fangs. Yet the silent chief. Saint Urbane. Skurva the Wanderer, the sixth Saint Astraea with her night gull Vinland, and Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Oh, has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? मतलब काफी सारे योद्धा थे जो लड़ने के लिए गए, बट वो मतलब बच नहीं पाए। हाँ मतलब मारे गए वैसा। और ये हम हैं भाई एक्चुअल, पर रीमेक वर्जन खेलने का मजा अलग है। 60 FPS भाई बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल मेरा दिल खुश हो जाता है।
so that you may lull the old one back to slumber. Outpost passage, ठीक है, finally we are here, ठीक है, इससे dodge होगा, इससे light attack होगा, इससे heavy attack होगा, ठीक है, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, मैं बहुत पिटने वाला हूँ, चलो, ठीक है, standard attack, आ रहा हूँ, अच्छा मतलब दिया गया, सही है, okay. और जा पे एंडी तेरी पहला दुश्मन घायल इससे गुलाटी है और क्या मैसेज है भाई मैसेज पढ़ लेते हैं यार अभी तो अच्छा ओह भाई ये छो पढ़ लिया मैंने तेज भागने का तरीका ओके L1 गार्ड ठीक है यहाँ तो कुछ नहीं है वो खड़ा अरे भाई दे दे अरे अरे मारे लाख भाई भाई तो झपोला दे दिया था मेरे अंदर अभी R3 टारगेट लॉक और चेंज टारगेट R3 तो ये वाला बटन होता है ना हाँ रुको 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 यहाँ दो तीन बंद में एक मिनट अरे पता है सोल्स गेम में एक लफड़ा और होता है अगर आप लॉक करके नहीं मारोगे ना तो कहीं भी है देखो ये ऐसे करता है ये मतलब पीछे से बंदा आपको मार देगा समझ रहे हो तो आपको डॉज भी मतलब दिमाग ला के करनी है भाई जाना कहाँ है चलो उधर ही जाना है आगो अरे 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 भाई साहब क्या बात थी ये तो इसमें से कुछ निकलते नहीं डब्बे वब्बों में से यार ये क्या है क्रेसेंट मून ग्रास करता क्या है ये चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं ओ बैंडी भाई साहब ये तो पूरा रेसिडेंट इविल 10 लग रही है सही में कैसे लग रहा है 10-10 पजल होगी उसके अंदर ठीक है डायरेक्शन प्लस होल्ड वोल्ट ओके क्या लिखा है ओल्ड ओ ओवर रेलिंग ऐसे एक मिनट शायद मैं यहां नहीं जाना है ये तो गेट बंद है क्या करना है एक मिनट ओके ओके ऐसे करना है तो यहाँ पे कहीं रास्ता होगा रुको ये रहा चलो नाइस भाई ये तो मुझे अब पता लगा नहीं तो मैं पूरी घूमता ही रहता 15-20 मिनट तक चलो चलते यस मेरी फट रही है थोड़ी बहुत भाई सच्ची बच गया मैं अभी मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारा निशाना कितना लुल ले बे अपना निशाना सही करो पहले और कुछ है यार ये मैंने कौन सा अटैक मारा भाई धनिया ओ ये क्या है ऑलरॉन आउटपोस्ट R2 स्ट्रॉन्ग अटैक ठीक है ओ आजा 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 चलो चल मैं मरा नहीं क्या खा के आया था तू ओके यहाँ पे भी कुछ नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं चलो L2 पैरी L2 तो ये होता है ना तो अच्छा आफ्टर पेरिंग प्रेस R1 रिपोज अच्छा वैसे ये से डॉज है
L2 पैरी ऐसे, पैरी तो तब होता है ना जब एक बंदा सडन अटैक करता है। हाँ दिस इज द गेम, दिस इज समथिंग एल्स भाई, यही तो मुझे चाहिए था। चलो आजा मुन्ना, आजा 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 आजा, मार 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 मार। चलो मैं एक मिनट, एक मिनट, मैं भूल गया इसमें स्टेमिना होता है, सॉरी सॉरी मैं भूल गया, एक मिनट एक मिनट, मैं मरना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया भाई, ये तो बंदा भाई शक्तिमान है बिल्कुल। फील्ड वेपन विद बोथ हैंड, हेल्प हेल्प में देखें, फील्ड वेपन वाइल वेपनिंग विद टू हैंड्स। अच्छा बट यार शील्ड तो जरूरी है, अगर मैं शील्ड अंदर रखूंगा तो ये ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा तलवार से ब्लॉक करता है, ओके ऐसा है। अरे अरे अरे, अरे। रुको एक मिनट, इसे मारने दो। भाई एक तो मेरा स्टैमिना भी होता है ना, मेरी दिक्कत होती है। रुको चल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, बट तुम्हें पता है डेमन सोल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, बॉस स्टेजेस में। ये बात मुझे पता है। ओके स्विच राइट हैंड वेपन, ओके 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 ओके, नहीं नहीं नहीं, मुझे तलवार ही चलानी है भाई, बड़ी वाली हाफ मून ग्रास, ठीक है। इससे होता क्या है? ओके एलिक्सर, इसको यूज़ कैसे करते हैं? हाँ यूज़ कैसे करते हैं? ओके अच्छा हाफ मून ग्रास से वो हो जाती है, स्क्वायर का बटन दबाना पड़ता है। ओके 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 ढोके अबे 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 तीर मार रहा है भाई, ये इतनी देर से तीर लेके खड़ा हुआ था ये, बहुत बढ़िया भाई, क्या बंदा, क्या ही बंदा था ये। ऊपर तो नहीं जा सकता, नहीं ऊपर नहीं जा सकता। हाँ चलो उसी तरफ, एक मिनट यार, सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं है, जंजीर है यार। ये यहाँ बंदे हैं या आपस में लड़ रहे हैं, वो क्या भट्टी में क्या हो रहा है भाई? अरे अरे, अरे चलो परफेक्ट पैरी भाई, परफेक्ट पैरी थी वो। ये क्या कर रहा है? चलो भाई ये बॉस, एक मिनट, ये बॉस स्टेज का होता है ये। हाँ चलो चले, पसीना में सीना पोंछ लूँ भाई, क्योंकि मेरे सच में पसीने छूटने वाले हैं। ओके चलो पहला बॉस होगा ये अपना। ये क्या कर रहा है तू, यहाँ क्या कर रहा है बे? तो पीछे क्या है, पीछे क्या है? एक मिनट, ओके यहाँ वो है, ओके ओके हाफ मून क्रॉस, ठीक है नाइस। हेल्थ तो चाहिए, रुको भाई। अच्छा हाफ मून भी है, कुछ भी, बहुत चीज़ें होती हैं यार। हाँ चलो, मतलब अपने हिसाब से गेम को खेलना पड़ेगा मुझे, ये समझ समझ के। चलो चलो भाई, हमारा पहला बॉस देखते हैं। पैन गार्ड भाई, ये बॉस है क्या ये? ड्यूड कितना बड़ा है, जगह भी नहीं है। भाई वो हथौड़ी है, कुल्हाड़ी है, क्या ये?
अच्छा स्टोरी में था। Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. ये कौन सी पावर डाल ली हमारे शरीर में? This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Nexus? Thou canst not quit the Nexus, but the five archstones will guide thee to the outer lands. You have died and the Nexus has imprisoned your soul. You cannot escape the Nexus. मतलब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता? However, by capturing demon souls, you can reclaim your demon souls. Demon souls कहाँ से मिलेगी? Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls, or to save this land and be remembered as a hero. असराय बैंस की बेइज्जती मार रहे यार। Hunting for demons? Try one of the archstones. Achha. Go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? एक मिनट रुको. Okay, gates of Boletaria. Okay. तो मुझे यहीं जाना है मेरे ख्याल से. हाँ, उसने बोला है, कह रहा है इसी में से टच करके जाओ, फिर वहाँ से मिल जाएगा तुमको. उसने लिखा कि यू कैन नॉट, मतलब वहां से तुम बाहर नहीं जा सकते. ये तो मैं फिर से वहीं आ गया जिस जहां पे मैं मरा था. अरे भाई ड्रैगन, उसने कितने बंदों को तो मुंह में भर रखा था, देखा था? हम पहुंच गए हाँ गेट्स ऑफ बोलेटेरिया के अंदर. तो भाइयों अभी के लिए ऐसा यार, ये जो मैं अपना पहला एपिसोड है ना वो यही ख़त्म करता हूँ, फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे पूरा एरिया एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करने के बाद जो है मैं फिर कहीं पहुँच पाऊँगा. ठीक है, तो यस, तो क्योंकि आपका सजेशन मुझे चाहिए होगा ये गेम, क्योंकि मेरे लिए देखो डेमन स्लोस मेरे लिए एक तरीके से प्योरी नई गेम है, समझ रहे हो? मेरे हाथ, मुझे समझना पड़ेगा कि ये गेम चलती कैसे, इस गेम में खेलना कैसे होता है, क्योंकि ये फाइटिंग गेम नहीं है जिस मारते पीटते चले गए. ठीक है, तो जिस मेरे किसी भाई बंधु ने डीमंस मतलब डीमन सोल्स या एल्डर रिंग गेम खेली होगी वो मेरी हेल्प कर देना, बता देना कि संदीप भाई ऐसे ऐसे खेलना है. और अगर किसी ने गेम कंप्लीट कर रखी है तो मतलब मुझे सजेशन देना, मतलब स्पॉयलर मत देना, सजेशन देना कि भाई ये यूज़ करो, ये करना, ये करना. ठीक है, तो चलो आई होप आपको समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ. और आगे वाले एपिसोड में हम लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, इस एरिया को. चलो टाटा बाय बाय एंड यस थैंक यू सो मच भाई, ऐसे कमेंट्स प्यारे प्यारे करते रहा करो. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय.